दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक शादी की चर्चा चौक चौराहों पर है। भिवानी के पलवास निवासी अनूप अपनी शादी के लिए हेलीकॉप्टर से बारात के साथ भोड़ाकला गांव पहुंचे। गांव में पहली बार दूल्हा के हेलीकॉप्टर से पहुंचने को लेकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। शादी के बाद दूल्हा अनूप अपनी नई नवेली दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ही विदा कर भिवानी ले गया। यूपी के बांदा में एक नई नवेली दुल्हन ने मतदान की अहमियत को समझते हुए अपना फर्ज निभाने वोट डालने पहुंची। शादी के फेरों के बाद विदाई के पहले दुल्हन शिवानी अपने पति के साथ निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची। इस दौरान दुल्हन की मां भी उनके साथ थी। शिक्षा के प्रति एक बुजुर्ग का जुनून चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले 69 साल के मोहनलाल नीट के लिए आवेदन करने के बाद जब परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। ऑडिट अधिकारी के पद से रिटायर्ड एमए पास मोहनलाल ने 2020 में साइंस विषय में इंटर की परीक्षा देकर पास हुए थे। मोहनलाल बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन पहले साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाए थे। अब ये अपनी वो ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। सेवा करना चाहता हूँ और जैसे बहुत बिना इलाज के उनको नहीं मिल पाती है वो चिकित्सा सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी को लेकर एक हुनरमंद की खूब चर्चा हो रही है। हमीरपुर के बरूटा गांव के रवि धीमान लकड़ी पर नक्काशी कर 3D आकृति बनाते हैं जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। धीमान ने मुख्यमंत्री सुक्खू की तस्वीर भी बनाई है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी उनकी 3D तस्वीर भेंट कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लकड़ी पर उकेरने में जुटे हुए हैं। आजादी का अमृत काल चला हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में मैंने जैसे शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और हमारे स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे कुछ पोर्ट्रेट बनाकर तैयार कर दिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीसीटीवी कैमरे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर कैद हो गई। जिला मुख्यालय से झूलाघाट की तरफ जाने के दौरान एक बाइक सवार से अचानक एक तेंदुआ टकराया। ये गुलदार तेजी से रोड क्रॉस करने के दौरान बाइक सवार से जा टकराया जिससे बाइक सवार गिर गया और गुलदार झाड़ियों की तरफ भाग निकला।